हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल, वेलकम बैक टू एन अदर व्लॉग। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे और अल्लाह का शुक्र है मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो आज का जो व्लॉग है वो स्टार्ट हो रहा है जनाब नाश्ते से। तो यहाँ पर जो है मैं अब बनाने की तैयारी कर रही हूँ चावल की रोटी, जो कि बहुत ही यम्मी और मज़ेदार बनती है और मेरे हस्बैंड को बहुत ज़्यादा पसंद है। तो बस उसी की जो है प्रेप की जा रही है। यहाँ पे ऐड किया है जनाब चावल का आटा है, उसमें पानी ऐड किया है और बस ये कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। उसके बाद जो है इसको भी मैं पकाना शुरू कर लूँगी। तो इस तरह से आपने लेना है तवा, और तवे में भी बन सकती है। इसके अलावा आप इसको फ्राई पैन में भी बना सकते हैं। आपने इसमें ऑयल या घी, देसी घी जो भी आप यूज़ करते हैं वो फैला लेना है, और इसमें आपने ये जो है बर्तन मैंने रखा हुआ है साइड पे, इसकी मदद से आपने फैला लेनी है रोटी अपनी। तो जो आंच है उसका आपने बहुत ख्याल रखना है। पहले आपने जो आंच तेज़ करके इसको पकाना है, बाद में आपने ताकि तवा गर्म हो जाए अच्छे तरीके से, और बाद में आपने इसको लो टू मीडियम आँच पर ही पकाना है और आराम आराम से ही आपने इसको पकाना है, थोड़ा ऐसी जल ना जाए क्योंकि ख़तरा काफ़ी होता है इसका जलने का भी। तो ये एक रोटी तैयार हो चुकी है, अभी दूसरी जो है वो भी तैयार कर लेते हैं आपके साथ, और आप देख भी लें। सेम उसी तरह ही इसको डाला है तवे पे, और ये देख रहे हैं आप पक रही है। एक साइड से अच्छी तरह पक जाएगी तो फिर आपने इसको साइड जो इसकी चेंज करनी है। और जो घी है इसमें कुछ ज़्यादा लगते हैं तो आपने घी का भी ख्याल रखना है कि आपने उसमें ऐड करते जाना है जितनी आपको ज़रूरत हो। तो ये आप देख सकते हैं बहुत अच्छे तरीके से पक चुकी है और ये उतार ली है। रोटी बहुत ही टेस्टी बनती है, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और हाँ, इसमें थोड़ा सा नमक भी ऐड करना है, मैं बताना भूल गई, जो बैटर बनाना है उसमें मैं थोड़ा सा नमक जो है अपने टेस्ट के अकॉर्डिंगली इसमें ऐड ज़रूर कर देना है। और जनाब यहाँ पर देखें ये मछली को चूचू जी देख रही हैं बड़े गौर से बैठ के, ताकि जो है मेरा ध्यान हटे और मछली को फटाफट से पकड़ ले, क्योंकि इसकी बहुत आदत बन चुकी है बैठ कर ना बस दिखती रहती है मछली को हर वक्त। तो थोड़ा ध्यान भी रखना पड़ता है कि इसको जो है ना वो तंग ना करे। तो अभी मैं इसको ना बहुत देर से बुला रही थी कि वापस आ जाओ इधर आ जाओ, नहीं उतर ही नहीं थी, उतर ही नहीं रही थी। बहरहाल जनाब तो बस ये तो लगा ही रहता है। तो बाकी जनाब आज का सीन ये है कि आज जनाब घर में है दावत, तो कुछ गेस्ट वगैरह आ रहे हैं बहुत ही करीबी, तो बस उनके लिए कुछ देखते हैं क्या खाते हैं और क्या मेन्यू डिसाइड किया है। वैसे मैंने अम्मी से बात की थी तो हम लोगों ने मिलकर डिसाइड किया कि क्या बनाया जाए। तो यहाँ पर देख सकते हैं ये है चिकन स्ट्रिप्स काटे हुए बारीक बारीक बोनलेस, और इस पर जो ब्रोस्ट मसाला है वो जो है लगा दिया है, उसको मैरिनेट करने के लिए रख दिया था कोई 4-5 घंटे पहले। और यहाँ पर जो स्ट्रिप्स हैं उनको फ्राई कर रहे हैं, यहाँ पर जी जनाब इनको डीप फ्राई किया जा रहा है। मैंने फ्लैश ऑन कर लिया ताकि आपको इजीली जो नज़र आ सके, और बहुत ही क्रिस्पी और टेस्टी बने थे ये। आपने करना ये है कि इसमें आपने लेना है बोनलेस चिकन, और इसके बाद आपने इसको बिल्कुल बारीक बारीक स्ट्रिप्स में काट लेना है, तो और उसमें मसाला लगा के बस रख देना सिंपली, और फिर आपने फ्राई कर लेना है। बाकी अगर आपको उसकी फुल रेसिपी चाहिए होगी तो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। अभी तो वैसे बहुत जल्दी जल्दी में था तो इसलिए जो वीडियो का टाइम जो इतना नहीं मिल सका, तो इंशाल्लाह ताला किसी दिन अलग से मैं इनकी जस्ट रेसिपी जो है वो आपके साथ ज़रूर शेयर करने वाली हूँ, ताकि फुल जो भी तरीका है उसका आपको इजीली समझ आ जाए। तो इसी तरह हाथ से ही आपने इसमें ऐड कर देने हैं, और ये बहुत ही क्रिस्पी और यम्मी टेस्टी बन के निकले हैं बाहर। मैं आपको दिखा भी देती हूँ इसकी एक लुक भी। और इसके साथ मैं ये कहूँगी कि चैनल पे आए हैं फर्स्ट टाइम तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि जो नेक्स्ट आने वाले व्लॉग्स हैं और इस तरह के मज़े की चीज़ें हैं आपके साथ वो शेयर हो सकें और आप भी उसको एंजॉय कर सकें। और वीडियो को लाइक भी जो है वो ज़रूर कर लें। तो जनाब ये आपने लुक भी देख ली इसकी, और इसके बाद मैं आपको एंड पे भी दिखा देती हूँ। ये आप देख सकते हैं देखने में कितने क्रिस्पी और टेस्टी लग रहे हैं, और ये बहुत ही अच्छे बने थे। इसके साथ आप दही की चटनी जो है वो भी बना सकते हैं, और इसके अलावा केचप वगैरह जो है वो भी आप खा सकते हैं, जैसे आपका दिल करे आप इसको एंजॉय करें, और ये बहुत ही यम्मी टेस्टी बने हैं। बाकी मैं अभी यहाँ पर आपको जो खा के भी दिखा देती हूँ कि कितने सॉफ्ट हैं, और अंदर तक जो हैं वो बिल्कुल कहते हैं ना कि पकी हुई चीज़ है वो है। No,
क्रंच भी इसका एकदम परफेक्ट है और ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और जो दूसरी डिश बनाई है वो है जनाब चिकन मटर पुलाव मिक्स, और बहुत ही अच्छा बना है वो भी। और अगेन मैं बनाते वक्त जो है उसकी वीडियो शूट नहीं कर सकी, तो ये है उसकी फ़ाइनल लुक। और आप देख सकते हैं गर्मा गर्म चावल जो है वो सर्व करके ये जाने लगे हैं अब, और मेहमान जो हमारे वो आ चुके थे, तो मैंने सोचा बस फटाफट से वीडियो जो है वो बना ली जाए और फिर आप लोगों के साथ शेयर कर ली जाए। तो आप देख भी सकते हैं कितना अच्छा बने हैं, बहुत ही यमी खुशबू आ रही थी। उसके साथ जो है जनाब सैलड कट करके रख लिया था ऑलरेडी, और इसके साथ जो था मटन उसका सालन बनाया था, तो वो भी बस सर्विंग के लिए तैयार हो चुका है। ये कुकर में ही मैं दिखा रही हूँ अभी, इसको मज़ीद जो है हमने बाउल में भी डालना था, तो मैंने सोचा यहीं से आपको दिखा लेती हूँ। तो बस अभी सर्विंग जो है वो स्टार्ट होने वाली है। और ये है साथ मीठे में कस्टर्ड जो कि रात को ही बना लिया था, और देन इसको मैंने फ्रिज में रख दिया था ताकि सुबह जब सर्व किया जाए तो अच्छा और मज़ेदार लगे, क्योंकि ठंडा ठंडा अच्छा लगता है। तो इसमें सिर्फ ये डाला है जनाब, इसमें फ्रूट केक जो है वो डाल लिया था गर्मा गर्म में ही, और ऊपर जो है डेकोरेशन जो है वो जेली से कर दी थी हल्की फुल्की। तो अगर आप चाहें तो आप इसमें फ्रूट वगैरह भी ऐड कर सकते हैं, ट्राइफल बना सकते हैं, आपकी अपनी च्वाइस है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि गर्मा गर्म सा जो है खाना वो सर्व हो चुका है, और बहुत ही अच्छा लग रहा है। ख़ासतौर पर सर्दियों में जो गर्म गर्म खाना होता है वो खाने का मज़ा आता है, और ये बाप उड़ाते चावल और सब कुछ बहुत ही यम्मी है। और जनाब आप मुझे बताइएगा कि आपको मेरा वीडियो और मेरा खाना जो है वो कैसा लगा आज का, और रेसिपी जो है इंशाल्लाह ताला मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी ख़ासतौर पर चिकन स्ट्रिप्स की। तो मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में आज का व्लॉग कैसा लगा। आपको मिलती है नेक्स्ट व्लॉग में, और अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, मुझे भी दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।